बालवीर अब क्या होगा? हाँ बालवीर, क्या हमारे बिना कोई गलती के भी रानी परी हमारी सारी शक्तियाँ छीन लेंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसी और को हम पर विश्वास हो या ना, लेकिन हमें तो पता ही कि इस सब के पीछे किसी बुरी शक्ति की चाल है, और उस बुरी शक्ति के बारे में मैं पता लगा के ही रहूंगा। लेकिन बालवीर, हमें तो ये नहीं पता कि वो बुरी शक्ति है क्या और कहां से आई है। हाँ, और इसीलिए उस बुरी शक्ति को पहचानने के लिए और उसे जानने के लिए हमें उसके छुपने के सारे ठिकानों को ढूंढना होगा। मनीष, सच्ची में तुम्हारे गैजेट बहुत वाव है। नहीं 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 मोनिका। अरे मोनिका, मेरे कहने का मतलब था इनके गैजेट वाव नहीं है, इनके गैजेट तो बेकार है। हाँ, तेरे लिए तो ये फैन बेकार ही तो होगा, क्योंकि तेरे साइज के हिसाब से तुझे हवा देने के लिए तो पूरा वाटर कूलर चाहिए, है ना? क्या बोलिए? हाँ? क्या बोलिए? गलत बोलिए एकदम। मोंटू वाज मोटे तो क्या हो गया? ऐसा कोई बोलता है क्या? ऐसा नहीं बोलते? हाँ। गलत बोलिए। मोनिका, तुम ये फैन यूज मत करो। क्यों? क्योंकि ये फैन इनके ऐसा ही फालतू है। मोनिका ये पूछना चाहती है। अरे तुम्हें ये बताने के लिए इनके गैजेट्स इनके जैसे जीरो है। अरे असली गैजेट्स का दीवाना तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी है। तुम्हें पता है मेरे घर पे तो सीढ़ियां भी नहीं है। कैसे होगी? मोंटू की वजन से बिचारी टूट गई होंगी। ऐसा नहीं बोल सकते तुम। मोंटू बॉस मोटे तो क्या हो गया? ऐसा नहीं बोलते। ज़्यादा फ्री हो रहा है? नहीं नहीं, तू नहीं गलत बोल रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब था कि मेरे घर पे सीढ़ियां नहीं है, मेरे घर पे एस्केलेटर है। और मोनिका, तुम्हें पता है इन पिद्दियों के पास तो खेलने वाली रिमोट कंट्रोल की कार होगी, और मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के पापा के पास असली वाली रिमोट कार है। ये तो कुछ भी नहीं है। मोंटू बॉस तो नहाते भी नहीं है। मतलब खुद से नहीं नहाते, मोंटू बॉस को नहलाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन आती है। वाओ, रियली? मोंटू, इतने इंटरेस्टिंग गैजेट्स है तुम्हारे पास? क्या मोनिका, मोंटू बॉस ने आज तक किसका सच बोला कि तुम्हें बोलेंगे? मोनिका, मैं तुम्हें क्या बता रहा था, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे घर पे ना खाना बनाने के लिए अलग से मशीन है। अरे खिलाने के लिए भी अलग से रोबोट है, सर्व करने के लिए भी अलग से रोबोट है। मोंटू, तेरा झूठ तुझ पे बहुत भारी पड़ेगा। अब तीनों लोगों पे एक ही बुरी शक्ति का राज होगा, और वो बुरी शक्ति हूँ मैं। बुराई की अब एक ही स्वामिनी होगी, और वो हूँ मैं, जो मेरा गुलाम बनेगा उसकी बचेगी जिंदगी। बाकी सबका होगा विनाश, और उनके लोगों में मचेगी तबाही, सिर्फ तबाही। We'll be right back.
बनेगी। अगर यहाँ वहाँ गिर गए तो तू क्या करे? मेरे पास इसका इलाज है। हम अपना सामान इसमें रख देते हैं। नो नो नो, मोनिका अपना सामान इसमें नहीं रखेगी। कहीं चोरी हो गया तो? मैं हूँ ना। तुम चोरी करोगे मोनिका का बैग? नहीं नहीं, अगर हमारा सामान चोरी हुआ तो मैं उस चोर को आसानी से ढूंढ के निकालूंगा। अच्छा? हाँ। कैसे? वो मैं वो वॉलेट है ना, मेरे वॉलेट में एक खास जीपीएस है, खास जीपीएस है मेरे वॉलेट में, तो ये वॉलेट में इस बैग के अंदर डाल लूंगा। और अगर ये बैग चोरी हुई तो मेरे मोबाइल के मदद से मैं मेरे वॉलेट को ट्रैक कर सकता हूँ और ऐसे आसानी से चोरी हुआ सामान पकड़ सकता हूँ। वाओ, सुपर गैजेट मोंटू। चल चलो सामान रखो। हाँ हाँ हाँ। अब हम इसे यहाँ रख देंगे। चल चलो चलते। वाओ, यू आर सुपर कूल मोंटू। हाय बाय। हाय बाय। चल चलो। बॉस, आपको ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा फेंकना आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है? आप हमेशा खाने जाते हो अंडे, पर पड़ जाते आपको डंडे। डंडे, चुप। देख, मैंने झूठ बोला तो मोनिका कैसे इंप्रेस हो गई? और वैसे भी आज तक हमारे स्कूल में चोरी हुई है क्या? नहीं ना, तो इस बार भी नहीं होगी। चल खेलते। रानी परी, अब हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि उस बुरी शक्ति का इरादा क्या है। रानी परी, जिस तरह इस बुरी शक्ति ने बालवीर, बालमित्र और बाल सखी को सबके सामने सबका दुश्मन साबित किया है, उससे तो ये बुरी शक्ति बहुत ही चालाक और खतरनाक लगती है। हाँ, और सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और अगर जान भी जाए तो जिसे हमने देखा ही नहीं है उसे हम रोकेंगे कैसे? लेकिन रानी परी, इससे पहले वो बुरी शक्ति हमारे लिए और कोई परेशानी खड़ी करे, हमें उसे ढूंढना ही होगा। हाँ रानी परी, इस वक्त हमें हमारा नया परिलोक बनाने से भी पहले हमारा पूरा ध्यान इस नई बुरी शक्ति को पकड़ने में लगाना पड़ेगा। हाँ परी, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी बालवीर, एक अनजान शत्रु बहुत ही खतरनाक होता है। वो पहले ही अपनी छल और चालाकी से सोच में हमसे आगे रहा है, और वो अब भी एक नई चाल चलने की कोशिश अवश्य करेगा। लेकिन उससे पहले हमें हमारी चाल चलनी ही होगी। पिती, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मोंटू तो ग्रेटेस्ट फुटबॉलर से बॉल छीनने की बॉल। ये मोंटू ना, जब तक किक नहीं पड़ती तब तक सीधा नहीं होता। बॉल! काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। बेचारा बालवीर अब तक यही सोच रहा होगा, कौन है नई बुरी शक्ति
जो अदृश्य है, अनजान है, फिर भी हर पल उसके सामने है। कौन है वो जिसने हर बुरी शक्ति के लोक में अपना परचम लहरा दिया है? अब मैं सैटेलाइट में जाके जो देश भर के कंप्यूटर लैपटॉप टीवी को सिग्नल भेजता है और इसके सिग्नल के जरिए देश के सारे विद्युत उपकरणों को अपने नियंत्रण में ले लूंगी और इससे शहर में काम का नहीं विनाश का सिग्नल भेजूंगी। बालवीर, अब शुरू होने जा रही है प्रचंड का की प्रचंड लीला, जिससे तुम पूरी ताकत लगाकर भी रोक नहीं सकोगे। चंडिका का साम्राज्य दिखने में छोटा है पर इतना विशाल है कि धरती लोक पर ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं यहां बैठे बैठे अपने नियंत्रण में नहीं ले सकती। धरती लोक के हर शक्ति को, हर अस्त्र को, शस्त्र को, हर उपकरणों को अपनी मर्जी से चला सकती हूं, रोक सकती, कुछ भी करवा सकती हूं और मैं उनका उपयोग करूंगी बाली के प्यारे धरती लोग को मिटाने के लिए। बालवीर का, उनके साथियों का, सबका सर्वनाश होगा, लेकिन परियां और बालवीर ये कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूं, कहां हूं। मैं उनकी नजरों के सामने धरती लोक को टुकड़े टुकड़े में नष्ट कर दूंगी, क्योंकि प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। बस बस बस, मैं थक गया, चलो घर चलते, चल रोहित कुछ चल के खाते, चलो चलो। क्या हुआ? चल मनीष, तेरा बैग वहां नहीं है। मेरा बैग नहीं है मतलब तुम लोग का सामान भी नहीं है? कहाँ गया सलोनी, कहाँ गया? अरे मुझे क्या पता,
अगर मुझे पता था तो मैं लेकर नहीं आती। OMG! जिस बात का डर था वही हुआ। मोनिका का बात खो गया। सलोनी, बंद करो तुम्हारी कुश्ती और मेरा बैग ढूंढो। अरे यही तो रखा था। वो मोनिका का फेवरेट पर्स था। अब क्या करें? पर्स कैसे मिलेगा? ओह नो! मोनिका, मैं हूँ ना। क्या लगा रखा है सुबह से? मैं हूँ ना। तुम रख के दोगे मोनिका का पर्स? जाओ और लेके आओ। मैं नहीं ला के दूंगा, पर हम लोग बालवीर जी को बुला सकते ना। बालवीर जी आएंगे और उस चोर को यूं पकड़ लेंगे। हाँ, गुड आइडिया। और हमें हमारा सामान भी मिल जाएगा। गुड आइडिया, चलो बालवीर को बुलाते हैं। अरे एक मिनट, गुड आइडिया नहीं, बैड आइडिया मोंटू। जब वो तू ढूंढ सकता है तब हम बालवीर को क्यों परेशान करें? क्या जासूस हूँ? क्यों रोहित? करेक्ट है। ये बेवकूफ हो सकता है, उल्लू हो सकता है, पर जासूस नहीं हो सकता ये मोंटू। मोंटू बॉस। मोंटू, तूने कहा था कि तेरे वॉलेट में GPS सिस्टम है। अपने मोबाइल के मदद से अपना वॉलेट भी ढूंढ और हमें अपना सामान भी मिल जाएगा। हाँ, है ना? चलो चलो ढूंढते। मोंटू, तुम अपनी फोन की मदद से बैग ढूंढो और हम वहां जाके ढूंढ रहे। ओके, चलो। मिल गई शांति, पड़ गई गले में ठंडक। बोल रहा था मत फेंको, लेकिन नहीं, आपको तो फेंकना है। अब ढूंढो वरना सब बच्चे उठाकर आपको फेंक देंगे। अरे क्या सांड की तरह खू खू कर रहे हो? कुछ सोचो, हम फंस गए। मुझे अब सबसे पहले मेरा वॉलेट ढूंढना होगा और उनका सामान भी, वरना सारे बच्चे मुझ पर हंसेंगे। मोनिका मुझसे बात ही नहीं करेगी। रोहित, उसने मेरे कहने पर उसका वो फेवरेट पर्स उसके अंदर रखा था। क्या करे? अरे क्या करे? व्हाट वाज? ये टीवी अचानक बंद कैसे हो गया? लगता है केबल में फॉल्ट है। मेरा चेक कर। मैं? ये तो क्या मैं? अच्छा। ये भैया गोला लगा। अरे अरे इसको क्या हो गया? अरे आवाज नहीं आ रही है भैया। मैं तुम सबके सामने नहीं हूं, पर तुम सब मेरे सामने हो, क्योंकि तुम्हारे सारे टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप और बाकी सभी उपकरण मेरे नियंत्रण में है। वो मेरे ही सिग्नल पर शुरू होंगे और बंद होंगे। अब तुम सब यही सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, लेकिन वक्त आने पर।